हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से विमल पर दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं और आयतन ये वीडियो कक्षा नौ और दस दोनों के लिए है क्योंकि इस वीडियो हम केवल बेसिक सवाल को हल करेंगे जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को कैसे निकाला जाता है अगर कोई भी कमजोर विद्यार्थी होगा तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं वो अच्छे से सीख जाएगा करना और ये क्लास नाइन्थ में छोटी सवाल है और टेंथ में थोड़ा उससे हाई लेवल का है बट हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नहीं निकालना आता है तो वीडियो पर इंट तक बने रहिएगा चलिए देखिए हमें क्वेश्चन में पहला कहा जा रहा है उस घनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई आठ सेंटीमीटर चौड़ाई दस सेंटीमीटर तथा ऊंचाई पाँच सेंटीमीटर है बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे सवाल है तो पिछली वीडियो हमने सभी फॉर्मुलों के बारे में सीखा था कि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है ये सब हमने पिछली वीडियो में सीखा था तो इस वीडियो में सवाल को हल करेंगे सभी घनाभ पर आधारित घन पर आधारित और वृत्त तो सभी पर करेंगे हल देखिए तो अभी घनाभ बोला जा रहा है तो सबसे पहले हम गए घनाभ बना लेते हैं आपको समाधान के लिए देखिएगा एक ये घनाभ हम बना ले रहे हैं घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तक इसमें से एक भुजा समान ना हो मान लीजिए कोई भी दो भुजा समान होगी लेकिन एक भुजा समान नहीं होगी तो ये बन गया हमारा घनाभ जिसमें सीस होते हैं, मतलब फलक होते हैं छह सतह होती हैं अब देखिए बोला गया घनाभ का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई है आठ सेंटीमीटर लंबाई ये वाली हमारी है आठ सेंटीमीटर उसके बाद बोला जा रहा है चौड़ाई है दस सेंटीमीटर चौड़ाई ये वाली लाइन देख रहे हैं आप ये किनारे किनारे जो ऐसे ऐसे खींची गई है ये सारी हमारी है दस सेंटीमीटर आपको ध्यान से लिखना है दस सेंटीमीटर और उसके बाद बोला गया हमारा तथा ऊंचाई पाँच सेंटीमीटर ये ऊंचाई जो सीधी सीधी लाइन है लंबोवत रेखा है ये हमारी है पाँच सेंटीमीटर ये हमारी ऊंचाई तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल कि हमें यहाँ पर इसका सतह का क्षेत्रफल कितना है हमें वो पता करना है और इसमें आयतन हम सब डिस्कस किए थे अब पिछली वीडियो में चलिए देखिए सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं हल क्या होगा सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है दिया है क्या है घनाभ की लंबाई घनाभ की लंबाई अब अगर इतना बड़ा ना लिखना चाहे क्या लंबाई अकेले लिख देंगे वो भी ठीक है लंबाई हमारी आठ सेंटीमीटर लेकिन लिखना जरूरी है चौड़ाई हमारी कितनी है दस सेंटीमीटर उसके बाद ऊंचाई कितनी है पाँच सेंटीमीटर ये ऊंचाई लिखा हुआ है पाँच सेंटीमीटर अब हमें चाहिए क्या चीज़ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया था तो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू मतलब दो गुड़े लंबाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इसका मतलब दो गुड़े एल का मतलब लंबाई b का मतलब चौड़ाई l का मतलब लेंथ b से ब्रेथ और फिर b का मतलब ब्रेथ इंटू हाइट ये मतलब हाइट लंबाई यहाँ पर लंबाई गुड़े चौड़ाई चौड़ाई गुड़े ऊंचाई फिर ऊंचाई गुड़े लंबाई समझ में आया अब सबका मान रख दीजिए दो लंबाई यल कितना हमारा ये आठ सेंटीमीटर है चलिए हम लिख भी दे रहे हैं ये है यल ये है बी और ये है हमारी हाइट एल बी एच तो लंबाई हो गई आठ बी हमारा कितना है बी हमारा है दस सेंटीमीटर फिर प्लस बी है दस सेंटीमीटर गुड़े एच एच कितना है पाँच सेंटीमीटर फिर से एच है पाँच सेंटीमीटर गुड़े यल है यल कितना है आठ सेंटीमीटर इस सब का गुड़ा कर लेते हैं हम तो दो दस का गुड़ा आठ में करते हैं अस्सी फिर प्लस दस का गुड़ा पाँच में करते हैं पचास फिर प्लस पाँच गुड़ा आठ में करते हैं क्या आएगा है चालीस इन सब को हमें जोड़ लेना है तो दो का गुड़ा हम करते हैं इसमें देखें पूरे को जोड़ेंगे तो यह आएगा एक सौ सत्तर आ जाएगा बस समझ में आ गई चार पाँच नौ नौ आठ सत्रह एक सौ सत्तर आ जाएगा फिर उसमें दो का हम गुड़ा कर देंगे क्या आ जाएगा तीन सौ चालीस और पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बस क्षेत्र में आ गई आपको उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा चाहे आप क्लास नाइन्थ के हों या टेंथ के सभी को अच्छे से समझ आ चुका होगा तो देखिये जि, मतलब जितनी भी सवाल आएगी घन का हो घनाभ का हो अगर केवल हमारा फॉर्मुलर अपना चेंज होगा तो आपको बस वैसे ही सॉल्व कर लेना है अब चलिए हम देखते हैं इसका आयतन क्या होगा तो हम यहाँ लिखते हैं पूरा नहीं लिखते केवल आयतन आगे लिखते हैं घनाभ का आयतन आयतन हमने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था क्या होता है मान कितना है? ये है 8 cm, गुड़े B, B का मतलब यहाँ पर ब्रेथ दस सेंटीमीटर गुड़े ऊंचाई एच एच का मतलब है पांच सेंटीमीटर सबका गुड़ा कर दीजिए देखिएगा आठ का गुड़ा पांच में करेंगे चालीस चालीस का गुड़ा दस में कर देंगे चार सौ याद है सेंटीमीटर तो तो क्यूब वो, वो आप नाइन्थ के लिए भी क्या होगा सवाल ऐसे टेंथ के लिए होगा बस टेंथ में थोड़ा सा बढ़ा जाता है कि इसे एक घना वैसे दो घना और दे देते हैं तो चलिए हम घन के लिए अब देखते हैं सवाल तो हमारी अगली सवाल जो है उसमें बोला जा रहा है सात सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वैसे तो जब क्वेश्चन उसमें आता है बुक में तो एक या दो ही पूछ लेते हैं तीनों साथ साथ नहीं पूछते हमने इसमें इसलिए बताया कि आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग सभी फॉर्मूले में पता चल जाए कि कैसे किस किश्वर को हल करना है इसलिए हमने पूरा इसमें दिया हुआ है तो देखिएगा बहुत ही सिंपल होती है अब आप इसमें सोचते हैं इसमें क्यों लेखित चीज दी सात सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है तो आपको बता दें कि जो घन होता है घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है उसे तो घन बोला जाता है तो घन कुछ इस तरह से बनेगा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी और सभी एक ही दिया हुआ है मतलब इस सबकी लंबाई क्या है देखिए सात सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो भी होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सात सात सेंटीमीटर की ही होगी तो घन इस तरह का होगा इसकी जितनी लंबाई होगी चौड़ाई भी उतनी होगी ऊंचाई भी उतनी होगी तो मतलब हम मान लेंगे ये भी सात सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई हमारी ये भी सात सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई है तो ऊंचाई भी कितनी सेंटीमीटर होगी सात सेंटीमीटर होगी बस है देखिएगा अब हम क्या करेंगे हम लिखेंगे दिया है हमारे पास दिया हुआ था क्या भुजा किसकी घन की भुजा घन की भुजा और इसे हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं घन की भुजा को इस्माल ए से प्रदर्शित करते हैं इस्माल ए बराबर है सात सेंटीमीटर समझ में आ गई अब हमें निकालना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा हमने आपको बताया था हम मान लेते हैं कोई ये बॉक्स है अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम केवल चारों इसकी सतह का लेंगे ना ऊपर वाला पार्ट गिनेंगे ना नीचे जैसे एक कमरा होता है कमरा में केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल लेंगे वही होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फल ये ऊपर वाला छत हो जाएगा ये नीचे फर्श हो जाएगा तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये फर्श और छत नहीं काउंट होगा अगर आयतन पूछा आयतन तो आपको बताइए ऊंचाई होता है और तथा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसमें छे सता है तो सब का टोटल लेना है बस समझ आ गई चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय

भुजा भुजा का मतलब ए का स्क्वायर ये होता है फॉर्मूलामर हमारा फोर इन ए स्क्वायर या फोर ए स्क्वायर बात में आ गई तो चार गुड़े A का मान कितना है सात अब कुछ लोग ये कन्फ्यूज होंगे ये कहाँ से आया तो आपको बता दें फॉर्मूला है आप पहले पिछली वीडियो को चेक कर लीजिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फोर ए स्क्वायर मतलब चार गुड़े भूजा का स्क्वायर तो A का मान पता हमें सात तो हम सात का स्क्वायर कर देंगे और सात का स्क्वायर होता है क्या उनचास तो चार गुड़े उनचास इसका हमें गुड़ा करना है तो देखिएगा चार गुड़ा और नौ में करेंगे पहले छत्तीस फिर सोलह तीन उन्नीस ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में बात समझ आ गई एक सौ छियानवे आ गया हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आता है आयतन की तो हम डायरेक्ट आयतन लिखते हैं आयतन तो देखिएगा आयतन अगर आपको याद नहीं होगा हम बता दें कि देखिए कि, हम इसका लिखा जाता है कि आधार का क्षेत्रफल गुड़े उसकी ऊंचाई यहाँ पर आधार अगर हम देखते हैं तो होता है एक वर्ग बनेगा और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर तो भुजा का स्क्वायर गुड़े याचे। याचे इसमें हाइट भी ए ही है तो हो गया क्यूब तो मतलब ए का क्यूब फॉर्मला हमने यही लिखवाया था भुजा का क्यूब तो भुजा हमारी है सात सेंटीमीटर फिर हम सात का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा पाँच सॉरी तीन सौ तिरालीस वो तो, तो आठ का होता है क्यूब तीन सौ तिरालीस ना यही होगा सात का क्यूब तीन सौ तिरालीस होता है आठ का क्यूब पाँच सौ बारह होता है ना क्यूब भी याद कर लेते हैं बाय चांस कभी कभी यूज हो जाता है सवाल में याद रहना चाहिए इसीलिए तो देखिए आयतन हो गया तीन सौ तिरालीस हो गया बात समझ में आ गई और यहाँ आयतन जो भी होगा हमें सेंटीमीटर क्यूब में, से में लिखा जाए अगर मीटर में दिया होता था, है तो हम मीटर क्यूब लिखते है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे उसके बाद हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये भी लिख लिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर हमने आपको बताया मान लीजिए रूम है तो उसमें पूरा फर्श और उसकी छत को सभी काउंट होंगे तो हो गए छह पृष्ठ तो छे गुड़े भुजा का स्क्वायर भुजा मतलब ए का स्क्वायर तो छे गुड़े भुजा हमारी ए है एक मतलब है सात तो सात का स्क्वायर तो छे गुड़े सात का स्क्वायर उनचास फिर छे का गुड़ा में करना है छे का गुड़ा पहले चौवन हासिल होगी पांच फिर यहाँ पर उन्तीस आ जाएगा दो यहाँ पर हो गया हमारा यहाँ पर संख्या बदल कर अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन जो आता है बेलन से रिलेटेड है इसमें बोला जा रहा है उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास 16 सेंटीमीटर है तो आपको बस ध्यान से देखना है कुछ भी यूज नहीं है केवल कुछ भी नया नहीं केवल आपको वही याद रखना है बस देखिएगा पहले हम बेलन एक बना लेते बेलन दिखता कैसे एक इसमें देखिए ऊंचाई होती है इसमें लंबाई चोरी नहीं होती एक ऊंचाई होती है और ऊपर नीचे दोनों तरफ एक एक वृत्त होता है ये वहां भी एक वृत्त होगा और इधर भी एक वृत्त होता है वृत्त मतलब गोला होता है पसंद में आ गई यही होता है थोड़ा गोलन ना इसी टाइप का होता है इसमें हमें हमें जो जो भी यूज होगा सब क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे हमारी ऊंचाई है ऊंचाई का मान होता है और का मान मतलब एक बेलन कितना है? कितना ऊंचा ऊंचा है है बारह सेंटीमीटर तो बारह सेंटीमीटर लिख दिया जाए फिर है व्यास अब आपको बस यही बात ध्यान देना है इसमें व्यास मतलब ये पूरी लाइन होती है जिसे डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं व्यास हमारी है सोलह सेंटीमीटर तो क्वेश्चन जो जो भी हो कहीं में भी आपको व्यास डायरेक्ट यूज नहीं करना पहले व्यास में से आपको त्रिज्या निकालनी होगी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हल इसका देखिए सबसे पहले हमें दिया है दिया है ऊंचाई जिसे यच से नोट किया जाता है मतलब हाइट ऊंचाई यच बराबर है बारह सेंटीमीटर और हमारा व्यास व्यास मतलब डायमीटर तो व्यास है सोलह सेंटीमीटर है तो हमें व्यास यूज नहीं कर है। इसलिए यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे त्रिज्या बराबर क्या होगी आपको पता होना चाहिए त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है फार्मूला भी होता है त्रिज्या बराबर व्यास बत्ते दो व्यास का आधा होता है तो व्यास हमारा है ये 16 सेंटीमीटर 16 बटे दो काटें कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर बात समझ में आ गई हमारा मतलब त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब पता ना आपको इस्तेमाल r यहां पे देखिए पूरी लाइन होगी व्यास तो इसका आधा कर देते हैं वो यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है जिसे

तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है आप ना पता है चलिए फिर स्टार्ट किया जाए बेलन का वक्र क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है आपको पता होना ही चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है टू पाई आर एच और अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा टू पाई आर इन टू एच प्लस आर और बेलन का याद रखना है तो टू पाई आर एच इसमें एक आता है पाई पाई आपने पहले नाम सुना होगा अगर नहीं सुना तो जान लीजिए पाई का सिंबल कुछ ऐसा दिखता है कुछ ऐसा दिखता है पाई का सिंबल जिसका मान होता है बाईस बटे सात पाई का ये मान होता है अगर हम चेंज करते हैं लगभग तीन दशमलव एक सॉरी एक चार ये लिया जाता है पाई का मान बस समझ में आ गई और ये पाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे कल्चरल पूरे गैलेक्सी में टाइम में हर चीज में ये पाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसे कभी भूलिएगा मत पाई का मान होता है बाईस बटे साथ और ये पाई आप क्लास नाइन्थ से जान लीजिए आपके पीछे लग जाएगा तो इसका पीछा मैथ में कभी भी छूटने वाला नहीं है तो चलिए इसे रेज कर लिया जाए थोड़ा तो पाई का मान हमें रख देना है क्या बाईस बटे सात और आर आर का मान क्या है हमें देखिए इस माल आर का मान पता है ना आठ सेंटीमीटर है अगर आर स्क्वायर होगा तो हम आठ को दो बार लिख देंगे समझ आया आर यहाँ पर एक ही है तो हम एक बार लिखेंगे और यच यच का मान बारह सेंटीमीटर तो रख 12 अब रख दीजिए बारह सेंटीमीटर अब देखिए कोई कटेगा तो हाई नहीं अगर यहाँ नीचे से कुछ कटता रहेगा तो हम काट देंगे अब इसका हमें गुड़ा करना है देखिएगा बाईस का गुड़ा दो में कर देंगे तो आ जाएगा चौवालिस फिर गुड़े आठ का गुड़ा बारह में कर देंगे तो ये आ जाएगा नाइंटी सिक्स सॉरी नाइंटी सिक्स और फिर पूरे का हम बटे में हमारा था भाग में सात तो ये हो गया सात अब आपको इसका गुड़ा करना है तो इनका जब गुड़ा किया जाएगा तो आ जाएगा ये चार हजार दो सौ चौबीस बटे में था हमारा सात तो जब इसे हम भाग करेंगे सात से इसे जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा छह सौ तीन दशमलव चार दो सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा, तो ये था हमारा बेलन का डायरेक्ट तो 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 क्या करिएगा आधार का क्षेत्रफल बेलन का आधार मतलब बेस नीचे वाला पॉइंट नीचे हमारा क्या वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर उसमें यच से गुणा कर देना है तो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये हो गया हमारा आयतन फॉर्मूला तो पाई का मान फिर से हम वही यूज करेंगे बाईस बट्टे सात गुड़े आर का मान स्क्वायर है आर, आर का मान यहाँ पर आठ है तो हम दो वाला यहाँ पर आठ हो गया गुड़े ये हमारे पास से बारह सेंटीमीटर तो हो गया बारह सेंटीमीटर फिर से इनका हमें गुड़ा कर लेना है बस ओन देखिएगा बाईस यहाँ पर है और फिर गुड़े यहाँ पर हम आठ और आठ का गुड़ा करते हैं चौसठ गुड़े बारह ये आ गया पूरा बट्टा हमारा है सात तो अभी का हमें गुड़ा करना है इसका तो इनका गुणा करेंगे तीनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सोलह हजार आठ सौ छियानवे आप गुणा करके एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा बटे सात अब हमें साथ से भाग करना है तो साथ से जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा दो हजार चार सौ तेरह दशमलव दो आठ तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया हमारा आंसर बात समझ में आ गई अगर हमें से इसमें केवल वॉकअप स्टेज पर और आयतन ही पूछा गया अगर हम बताना चाहें इसमें संपूर्ण, संपूर्ण वो थोड़ा बड़ा होगा संपूर्ण हम कोशिश करते हैं इस इतने में आ जाए। तो, संपूर्ण संपूर्ण निकालने का तो नहीं बोला बट हम आपको समझाना चाहते हैं ये कि अगर आपको मान लीजिए पूछ भी लिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला हमने बताया था टू पाई आर इन एच प्लस आर ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेलन का तो टू इन पाई की वैल्यू बाईस बटे सात है और गुड़े आर आर मतलब त्रिज्या हमारी आठ सेंटीमीटर है गुड़े यच यच हमारा हाइट हाइट यहाँ पर है बारह सेंटीमीटर प्लस आर आर कितना है आठ सेंटीमीटर बस में आ गई इसे सॉल्व करना में दो गुड़े बाईस बटे सात फिर से यहाँ पर देखिए बारह में अगर हम आठ जोड़ते हैं तो आएगा बीस बीस का गुड़ा आठ में कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा एक सौ साठ अब इसका हमें गुड़ा कर देना है तो बाईस और दो गुड़ा करें चौवालीस गुड़े एक सौ साठ इसका भाग का नाम है सात से तो चलिए गुड़ा कर लिया जाए पहले तो जब हम इन सब का गुड़ा करेंगे एक सौ साठ और का गुड़ा चालीस चौवालीस में करेंगे तो ये आ जाएगा सात हजार चालीस बटे सात जब हम सात से भाग कर देंगे तो हमारे ये आ ग्यारह सौ अड़तालीस दशमलव और सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा आ चुका होगा, अच्छा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिएगा दोस्तों ये वाली सवाल जो हमारी है गोले से रिलेटेड है इसमें बोला जा रहा है किसी गेंद गेंद जो होगा वो वृत्ताकार होगा गोल गोल वक्र पृष्ठी होगा ना चारों तरफ से वक्र टाइप बना होगा गेंद का व्यास चौदह सेंटीमीटर है तो गेंद का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है देखिए दोस्तों बहुत बच्चे होते हैं जो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे क्या चीज इसमें बोला गया है अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आपको बता दें कि चाहे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तीनों का एक ही फॉर्मुला होता है तीनों का मतलब एक ही हुआ वो होता है फोर पाई आर स्क्वायर पसंद में गए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और गेंद का व्यास है मतलब मान लीजिए गेंद कुछ इस टाइप की होगी गोलाकार होगी उसका व्यास व्यास मतलब जो डायमीटर होगी पूरी लाइन हमारे चौदह सेंटीमीटर है चौदह सेंटीमीटर हमारी ये पूरी लाइन है तो हमें त्रिज्या पहले निकालना होगा क्योंकि उसमें आर आता है तो हमें आर की वैल्यू रखनी है डायरेक्ट उसके व्यास की वैल्यू नहीं रख देनी है सबसे तो पहले हम लिखेंगे दिया है दिया है हमारे पास क्या क्या चीज दिया है हमें दिया है गोले का या गेंद का व्यास गेंद का व्यास बराबर है चौदह सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या होगी त्रिज्या त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है व्यास बटा दो मतलब चौदह बटे दो बराबर कितना आ गया सात सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या मतलब यहाँ केंद्र से उसकी तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं ये इतनी दूरी हमारी सात सेंटीमीटर गई थोड़ा मार्कर से मोटा दिखाई देता है मोटा मतलब चलता है मार्कर तो आपको थोड़ा समझ लेना है बात को समझ आया तो देखिएगा त्रिज्या हमें सात सेंटीमीटर मिल गई अब हमें करना क्या है गेंद का आयतन तो चलिए सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं हम गेंद का आयतन या गोले का आयतन लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सॉरी यहाँ पर क्यूब हो जाता है ना पाईआर क्यूब आयतन जब रहता है तो उसमें पाई आर क्यूब अगर छेदफल रहता है पाईआर स्क्वायर हो जाता है उधर तो चलिए फिर सबकी वैल्यू रखा जाए इसी में देखिएगा हमारे पास सबकी वैल्यू हमें पता है फोर बाई थ्री इंटू फाइव की वैल्यू आपको पता है बाईस बटे सात होती है और आर क्यूब है मतलब आर का मान हमें तीन बार लिखना है तो सात है सात घुड़े सात घुड़े सात लिख सकते हैं अब देखिए एक सेवन से सेवन हुआ कैंसिल हो सकता है अब तीन से कुछ कटे गए नहीं इसलिए सबका आप गुड़ा कर दीजिए देखिए चार का गुड़ा हम बाईस में कर देंगे तो आ जाएगा कितना अट्ठासी आ जाएगा फिर गुड़े सात में कर देंगे उनचास फिर जितना भाग कर देना है तीन से चलिए गुड़ा कीजिए इसी का तो जब इनका जब गुड़ा किया जाएगा तो यह आ आ जाएगा जाएगा इतना ही याद आएगा। उसमें जब हम भाग करेंगे तीन से तीन से भाग करने पर आएगा एक चौदह सौ सैतीस फिर दशमलव तीन तीन करके ये आता रहेगा और सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा किसका गोले का आयतन मतलब गेंद का आयतन समझ में आ गई अब अगर हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों का फॉर्म लेके यही पूछा जाए तो हम डायरेक्ट केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं क्योंकि दोनों एक ही है पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फोर पाई आर स्क्वायर ये होता है तो फोर इन पाई की वैल्यू बाईस बटे सात हो जाएगी और आर आर स्क्वायर है आर की वैल्यू हमारे पास ये सात है तो दो बार लिख दीजिएगा इसी को तो एक साथ से सात हुआ कैंसिल बस आप सबका गुड़ा कर देना है चलिए गुड़ा करते हैं बाईस की गुड़ा चार में करते हैं तो आ जाएगा अट्ठासी अट्ठासी गुड़ा सात में करेंगे सात की गुड़ा आठ तो में करेंगे पहले छप्पन फिर यहाँ पर छप्पन में पाँच जुड़ेगा तो इकसठ ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर बात समझ में आ गई उम्मीद है कि सबको समझ में आया जरूर होगा किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो भी होगा हम गारंटी साथ कह सकते हैं आप निकाल सकते हैं तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरह के सवाल अच्छे से घर पर प्रैक्टिस कीजिए बुक से अपने नाइन्थ में हो आप या टेंथ में अगर आप टेंथ में हैं तो आपको स्पेशली तो आना ही चाहिए बिल्कुल अच्छे से क्योंकि ये टेंथ का सिलेबस नहीं ये केवल नाइन्थ का है टेंथ में इससे बड़ी सवाल मिलेगी तो ये था गोला के बारे में अर्ध गोला भी बिल्कुल सेम ऐसे है तो अर्धगोला भी चलिए हम एक बता देते हैं सवाल चलिए दोस्तों देखिए देखिये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है इसमें बोला गया एक अर्ध अर्ध गोलाकार कटोरी का, का आयतन तथा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या पांच सेंटीमीटर है इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा क्योंकि वो ये केवल गोला के लिए था जो उसमें वक्र पृष्ठी संपूर्ण पृष्ठ सब सेम होता है जिसमें वो गोला के लिए होता है अर्ध गोला में थोड़ा सा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग हो जाता है तो चलिए हम बारी बार सब देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें जो जो चीज दिया है वो हम समझ लेते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं किस आकार का होगा अर्ध गोलाकार कटोरी का जो आपके घर भी होगी जो इस तरह की होती है नीचे तो गोला होती है लेकिन यहाँ ऊपर एक वृत्त होता है बना होता है कुछ ऐसी तो होती है कटोरी ना उसकी त्रिज्या त्रिज्या मतलब यहाँ केंद्र से लेकर ये दूरी हमारी दी है पांच सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर समझ आया तो हमें निकालना क्या है इसका आयतन मतलब अगर आयतन का मतलब क्या हुआ इस कटोरी में हम पानी भरेंगे तो कितना पानी आ सकता है हमें वही चीज निकालना है तो दिया है त्रिज्या त्रिज्या को किसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आर बराबर है पांच सेंटीमीटर फिर अब हम निकालेंगे किसका कटोरी का आयतन या हम अर्ध गोले का आयतन लिखें लेकिन हम यहाँ कटोरी का आयतन लिखेंगे कटोरी का आयतन देखिए गोले का आयतन होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो उसका आधा कर देंगे मतलब टू बाई थ्री पाई आर क्यूब ये हो जाता है उसका फॉर्मूला तो चलिए सबकी वैल्यू रख दिया जाए थ्री आर 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 मतलब तो को, को बार लिख देंगे बस आ कोई कटेगा तो है सबका गुड़ा कर देंगे हम पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस तो देखिएगा ये आ जाएगा चौवालिस गुड़े एक सौ पच्चीस बटे सात गुड़ा तीन में करेंगे तो आ जाएगा इक्कीस हमें इतने को ही सॉल्व करना है तो जल्दी से गुड़ा किया जाए तो जब आप इनका गुड़ा कर देंगे तो ये आ जाएगा पाँच हजार पाँच सौ हमें भाग करना है इसमें इक्कीस से तो इक्कीस जब भाग करेंगे तो आ जाएगा ये दो सौ इकसठ दशमलव नौ जीरो और सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया हमारा आंसर तो कहीं भी प्रॉब्लम हुई आपको बिल्कुल नहीं चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो हमें लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्र भी आपको पता है देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ मतलब अर्ध गोले का पहले वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अब वक्र क्षेत्रफल क्या क्षेत्र है टू पाई स्क्वायर फिर एक वृत्त भी ऊपर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर यह एसर्ड आपको फॉर्मुला लिखना नहीं है वो शॉर्ट में पूरा होता है थ्री पाई आर स्क्वायर आपको ये लिखना हमने केवल समझाने के लिए की ये लाइन आपको लिखनी नहीं है थ्री पाई आर स्क्वायर होता है तो थ्री इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन ये होती है आर स्क्वायर है आर की बोलू हमें पता है पाँच सेंटीमीटर है तो दो बार इसी को लिख दीजिए अब इसका गुणा करना है तो देखिएगा बाईस का गुणा हम तीन में करते हैं तो आ जाएगा छः छठ गुड़े पाँच गुड़ा पाँच में करें पच्चीस बटे आ जाएगा सात इसका गुणा कीजिए जल्दी से तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये सोलह सौ पचास मतलब एक हजार छः सौ पचास इसी हम भाग करेंगे सात से तो सात से भाग करने पर आएगा दो सौ पैंतीस दशमलव सात एक और होगा सेंटीमीटर स्क्वायर

तिरक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए तो पहले सभी बातों को हम समझ लेते हैं शंकु जो होता है ईसाकार का दिखता है वो ये ऐसा और नीचे एक गोला होता है जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था बर्थडे कैप जो होती है जो बर्थडे टोपी होती है ना वो ऐसा ही तो कुछ होती है नीचे गोला रहती है ऊपर ऐसे कोना टाइप की रहती है जैसे आइसक्रीम भी जानते खाए होंगे तो इसी टाइप की तो होती है और उसकी ऊंचाई ऊंचाई जो होती है यहाँ से कितना ऊंचा है ये गिना जाता है हमारा कितना सेंटीमीटर है ये हमारा क्या है नीचे वाले वृत्त का व्यास है और ऊंचाई इक्कीस सेंटीमीटर है मतलब ये लाइन हमारी इक्कीस सेंटीमीटर है इसके आधार का व्यास आधार होता है नीचे वाला पार्ट और आधार यहाँ पर है गोला मतलब गोले का व्यास हमारे पास से है बारह सेंटीमीटर बस समझ में आ गई और हमसे शंकु की तिरिया ऊंचाई तिरिया ऊंचाई मतलब समझते हैं आप ये जो तिरछी वाली रेखा है इसका ऊंचाई ये कितना है और जो कि यहाँ पर यल है और इस साइड भी यल है तो हमें ये चीज निकालना है और शंख का आयतन मतलब इसके अंदर अगर कोई चीज हम पानी भरते हैं जिसके अंदर कितना पानी आ सकता है हमें वो निकालना है तो सभी फॉर्मूला हम डिस्कस कर ही चुके हैं केवल हमें सवाल हल करना है चलिए स्टार्ट किया जाए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है जो जो हमारे पास दिया है शंख की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई जिससे यच से डिनोट किया जाता है इसका मतलब हाइट यच बराबर है इक्कीस सेंटीमीटर और आधार का व्यास मतलब वृत्त का व्यास तो हम लिखेंगे आधार का व्यास बराबर है बारह सेंटीमीटर व्यास तो वो बारह सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी क्या आप बता सकते हैं हमने आपको पिछले साल बताया त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है मतलब व्यास का मान है बारह आधा मतलब दो तो बारह बट्टे दो क्या हो जाएगा छः सेंटीमीटर हमें त्रिज्या मिल गई निकालना क्या है

कोण बनेगा हमें यह लिखा मान चाहिए और त्रिज्या ये पूरी लाइन 12 सेंटीमीटर थी त्रिज्या हमने निकाली जो कि हमारी थी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है ऊंचाई हमारी इक्कीस सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज के में आप पाइथागोरस प्रमेय तो जानते होंगे त्रिकोण में आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़े होंगे और टेंथ में भी पढ़े होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यही होता है तो का स्क्वायर है तो इक्कीस का स्क्वायर प्लस आधार मतलब यहाँ पर छे का स्क्वायर है तो छे का स्क्वायर तो यल स्क्वायर यल स्क्वायर बराबर इक्कीस का स्क्वायर होता है चार सौ इकतालीस प्लस छे का स्क्वायर होता है छत्तीस तो स्क्वायर इसे हम जोड़ते हैं तो ये आएगा सात यहाँ पर भी सात और यहाँ चार बस ये चार सौ सतहत्तर तो किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा का जब मान तो अंडरवुड चार सो सतर आ जाएगा बस इसे इतना ही रहने दीजिए तो यल का मान आ गया तीस उड चार सोह सतहत्तर अगर ये किसी का स्क्वायर होता है तो हम डायरेक्ट वो लिख देते बस समझ में आ गई ऊंचाई पता चल गया हमें अब पता करना है आयतन तो हम यहाँ पर लिखते हैं आयतन आयतन क्या होता है जैसे बेलन का आयतन था तो आपको बता दें एक बेलन जो होता है उसके अंदर मतलब समान समान व्यास की बेलन में तीन आ सकता है तो मतलब कि जो होता है शंकु होता है बेलन की ऊंचाई का मतलब उसके क्षेत्रफल का एक बट्टा तीन भाग होता है तो इसका आयतन का भाग मतलब एक बट्टा तीन भाग तो आयतन क्या हो जाएगा वन बाई थ्री पाई स्क्वायर ये अच्छे, होता है हमारा का आयतन। में आ गई। तो चलिए फिर इसे दो बार लिख दीजिए गुड़े यच यच का मतलब यहाँ पर इक्कीस ऊंचाई जो हमारी इक्कीस ही थे ना इक्कीस ही तो थी अब जो जो कटे देखिएगा थ्री से कटेगा ये सिक्स टू बार कटेगा और ये सेवन से ये भी थ्री बार कटेगा मतलब सात से इक्कीस कटा तीन बार ये तीन से हमने काट दिया ये दो बार में इन सब का गुड़ा कर लेंगे तो देखिए दो का गुड़ा छ में करेंगे बारह बारह गुड़ा तीन में करते हैं तो क्या आ जाएगा छत्तीस तो बाईस गुड़े छत्तीस हमें इसी का गुड़ा करना है तो जब गुड़ा कर देंगे तो आ जाएगा ये सात सौ बानबे सेंटीमीटर क्यूब बस हमें आ गई सात सौ बानवे सेंटीमीटर क्यूब तो बात गई आपको तो अब आ ही गया होगा आयतन भी आ गया भी निकाले। अगर भाई चांस इसमें पूछ भी लिया, वक्र फल, तो उसका लगा कर देते हैं जगह हमारे पास अभी है पूछा नहीं गया बट हम निकाल देते हैं तो वक्र पृष्ठी वक्र का मतलब समझते ना कि संघ को जितना घूमा है कि और उतने का क्षेत्रफल निकालना है ये नीचे वाले गोले का क्षेत्रफल नहीं निकालना हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मला होता है पाई आर एल तो पाई आर एल पाई का मान है बाईस बटे सात गुड़े आर आर का मान हमारे पास है त्रिज्या छे है गुड़े एल एल का मान देखिए हम यहाँ निकाल चुके हैं जो कि अंडर रूट चार सौ सतहत्तर मान लीजिए हमारा तो ये अपने आप से हमने क्वेश्चन बनाया था तो इसलिए गलत आ रहा है इसमें मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है सवाल गलत नहीं है अगर बुक में दिया रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर किसी ना किसी का बना ही होगा अब इसे हम गुणा कर लेते हैं जो आएगा हमारा बट वैसे हम आंसर कर देंगे तो बाईस का गुणा 6 में कर देते हैं तो एक सौ बत्तीस सात और अंडरऊ चार सौ सतहत्तर इतना ही छोड़ दीजिए यही हो गया हमारा सब का पृष्ठ क्षेत्रफल समझ आया आंसर है यहाँ पर आप, आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया हमने घनाभ से स्टार्ट किया था शंकु तक हमने पूरा पढ़ा है तो अब ये आपको बेसिक क्वेश्चन तो आपका रेडी हो गया होगा तो अब हम कल की वीडियो में क्लास टेंथ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे थर्टीन पॉइंट वन तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए तो चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय